परिश्रम और परिवार
ने जो कि रसोई घर में शहर के तरह निभा लिया, हमारे सिर में भी कोई टेंशन नहीं किया और हमें भी कोई दिक्कत आने नहीं दी और न हमें सोचने को। तो इस तरह से उन्होंने संभाल ली और उसमें श्री राजेश प्रभु और रामानंद जी आ गए जो कि हमारा हाथ भी बटा दिया और उसमें हम अगली बार प्रेमानंद के ग्रहण से हम बड़े दुखी और चिंतित रहे कि वे नहीं आए, फिर भी इन्होंने संभाल लिया और ब्रजमंडल की परिक्रमा में इस तरह से चला दिया जिससे कि किसी प्रकार कोई कॉम्प्लेन कोई शिकायत अभी तक नहीं आई। क्योंकि हम चाहते थे कोई शिकायत न करे, हमें भी गल पर थप्पड़ आना चाहिए कि कम से कम भी सीखने दो चार बातें, तो फिर भी इसकी कमी रहेगी। तो मैं चाहता मेरे लिए कुछ अनुशासन बने और मैं आगे के लिए सुधरू और सुधार सकूँ, जी में भी कोई सुधार हो आगे और अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए अवश्य आप लोग मिल। दूसरी बात जो आप सभी के साथ में मिल करके हम लोगों ने जिस प्रकार विजयमंडल की परिक्रमा की, गुरु जी के स्वास्थ्य पर जीवन की सबको बड़ी चिंता थी और गुरु जी के कमरे में हम जब जाते दिल्ली में और यहाँ भी सबसे ज्यादा तो दिल्ली में ही ब्रजनाथ और माधव जी के आंखों के आंसू मैंने रोना नहीं जाता कि वो मुझे देख करके रोने लगते हैं, वो नहीं आता और हम सभी लोग रो जाते। तो उसमें भी उन्होंने छाती बांध लिया, बोले अभी रोना नहीं, कुछ बोला नहीं, स्मार्ट बन करके हम सब लोग बात कर रहे हैं गुरु जी के सामने और सेवा कर रही है। इस तरह जो जिसको जो जैसे संभव हुआ सब प्रकार से गुरु जी की सेवा करते थे और आज हमें बड़े सौभाग्य की बात है कि आज व्रत समाप्ति की गुरु बेला में गुरु जी बाहर आए, आकर के माइक पर उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और ये बोले कि जैसे हम सभी देश में गए और सबको निमंत्रण दिया, आप सभी लोग आए, इसी प्रकार प्रति वर्ष आना होगा और यह ब्रजमंडल परिक्रमा कभी समाप्ति नहीं होगी न बंद होगी। और गुरु जी बताए कि ये नवोदय धाम की परिक्रमा ये अपना घर है, इसके लिए कहना ही क्या है, इसके लिए तो आपको आना अनिवार्य है। केवल हम गौरांग के परिकर हम सभी श्री गुरु गौरांग के हैं, गुरु गौरांग जो हमारे हैं, इसलिए हम उन्हीं के ही हैं। अब हमें तो अपने घर में आना है। ये गुरु जी का आज का संदेश पत्र तो इस प्रकार जो कि हम लोग इस परिक्रमा में भाग लिए हैं, कल सुबह भी जल्दी से जल्दी आप लोग मंत्र मुंडन कर लेंगे जो कि कई जनों का गुरु जी ने विशेष रूप से कृपा की जो कि संन्यास ग्रहण करने के लिए इसके बाद काल सौभाग्य बनता थे यही पर हरण हो जाए और सभी को संन्यास प्रदान करें, इसके बाद व्रत समाप्ति करेंगे और हवन करेंगे कि यहाँ संन्यासियों का हवन होगा और सभी के लिए बाद में हवन करेंगे धुआं होगी। तो हम देखते हैं तो यहाँ हो जाए कि अब आगे जैसे भी होगा पर संन्यास का अवसर यही पर करेंगे, गुरु वर्ग का फोटो भी जैसे कि वैसे सजाया हुआ रहेगा और सभी के सामने यह संन्यास ग्रहण हो, इसलिए हम सभी को इस विषय पर आग्रह करते हैं। माइक वाले उधर माइक, तो इस प्रकार जो कि हम लोग इस कार्तिक के महीना में राधा दामोदर की कथाएं और विभिन्न प्रसंगों में ब्रज की कथाएं हुई और अंत में रायानंद संवाद की कथाएं होती रही और उसमें भी प्राय करके राधा तत्व पर भी वैष्णवों ने भी विचार किया है और अंतिम पहलू पर है जो कि उस पर भी हम लोग प्रकाश करेंगे। इससे पहले हमारे दिल्ली से ही महाराज जी के परम अनुपम का पास्तर श्री सोमनाथ प्रभु जी
अर्पुरा माता जी उन्हीं के साथ उनके बच्चे सभी और परिवार वाले देवहर भी सभी भक्त जनों जो कि गुरु जी से शिक्षा प्राप्त हो करके जैसे रामा नाटक तैयार करते हैं, लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं वे भी हमारे सामने अपने लीला की एक झांकी प्रस्तुत करें जो आपकी इच्छा हो। तो जय
रोगियों से मिले, उनके वर्षों के विरह की क्रिया आंसुओं के रूप में बहने लगी। कृष्ण दर्शन के लिए इतनी आतुर थी कि अपने पलक से चमकने की बाधा को भी नहीं सहन कर पाए और बोली, मन प्राण सब मुक्ति तो बने हैं।
और व्यर्थ से बोली और उसी प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ जी के साथ वार्तालाप करते जा रहे थे। अपने मन को लाभ पहुंचाती है।
भाव का चिंतन छोड़ दे, किंतु हम क्या करें? हमारे सारे अंग प्रत्यंग ही दौड़ और थमे हैं। मोक्ष देना चाहते हो तो हमें अपनी स्मृतियों से मुक्त कर दो। अब तक तो हमें आशा थी कि आप जरूर आएंगे और हमें अपने प्रेम समुद्र में डुबो देंगे, किंतु आपका यह तत्व ज्ञान तो सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को तो दूर करता है परंतु सारे संसार की नमी सोख देता है, उसी प्रकार आपके इस तत्व ज्ञान ने हमारे जीवन की आशा, हमारे जीवन के कोष सबको समाप्त कर दिया है। अब हम जान गए हैं कि आपको प्रेम कहा, आप तो मेरे बालक हैं, आप तो मेरे बालक है ना, इसलिए आपको न तो किसी से प्रेम है, ना स्नेह है और ना ही द्वेष है, क्योंकि आप तो तत्व स्वरूप है ना, निर्मल होने पर भी निरुपाधिक है, बहुत ऊंचे हैं। किंतु हम निरुपाधिक नहीं, हमारे अंदर तो स्नेह जिसे आप मुख कहते हैं, हमें मुख जानकर भी आप हमें ये शिक्षा दे रहे हैं ना, हमारे कोमल हृदय पर आपकी ही कठोर वचन क्या करेंगे, क्या आप जानते हैं? आपके आपके चंद्रमुख से अंगारे अच्छे नहीं लगते। हम तो चंद्रो या है जो चांद की सुधा युग किरणों को पार करके ही जीवित रह सकते हैं। आप कहते हैं कि हमारे अंदर मोह है, हम संसार रूप में पड़ी हुई है, परंतु हमें तो हमारे देह की ही खुशी नहीं तो संसार की क्या होगी? देह स्मृति नहीं जान संसार को कहां का सावन है जे मैं चाहे उठा देह समुद्र जले काम से गिरे गिरे गोपीगण लेह काले पास शमशान रूप कहाना चाहे उत्थान विरह समुद्र चले काम तेरे गिरे गिरे गोपी गणे देह कार हमारा संसार खूब जमा कहा जिससे हम उद्धार चाहे। आप अपने चरणों के ध्यान की शिक्षा उन युगियों को दीजिए। तुम्हारे चरणों की बात से हमें जो राज के समय का स्मरण होता है। जब हम आपके चरण से मजा पताका आदि को देखकर मूर्छित हो जाती है। आपकी चरणों की सेवा कभी इस संसार रूप से तो मुक्त कर सकती है परंतु उस बिना रूप से नहीं जिसमें हम डूब रहे हैं। जब हम आपको चरणों को भी अपने हृदय में धारण करने से भी डरती थी कि कहीं आपको चोट ना पहुंच जाए। प्रार्थना क्या आपको ब्रजेश्वरी का निशाना के लिए याद नहीं आती? आपके पापा आपके सखा आपके बेहद में तड़प रहे हैं, क्या आपको उनके दुख की थोड़ी सी भी अनुभूति नहीं होती? हे नाथ, या तो ब्रजवासियों को मार दीजिए या
धन्यवाद करके उन्हें जीवन दान दीजिए, क्योंकि ब्रजवासी ब्रज छोड़ नहीं सकते और आपके बिना प्राण धारण नहीं कर सकते। आप ही बताइए उनके लिए क्या उपाय है। তুমি ব্রজে জীবন, তুমি ব্রজে প্রাণধ, তুমি ব্রজে সকল সম্পদ, তুমি ব্রজে জীবন, তুমি ব্রজে প্রাণধ, তুমি ব্রজে সকল সম্পদ। तथा
Krishna,
सच्ची गोपी मन मेरा सच्ची बन गया रे पावन वृंदावन जय राशि जय जय वृंदावन मन मेरा सच्ची बन गया रे पावन वृंदावन ओ पावन वृंदावन सखी पावन वृंदावन पावन वृंदावन सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गई सखी पावन वृंदावन
हमारे गुरु जी की ओर से तथा सभी सन्यासियों की ओर से सभी यात्रियों की ओर से सभी भक्तों की ओर से आपको आज हम तक चलाते हैं समस्त हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपकी विशेष विशेष बधाई हो जो कि आपने हमें ब्रज का दर्शन कराया। अभी हम लोगों का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और भी जो कि हमारे मध्य में पूजनीय सन्यासी बन गए हैं जो कि बोलने के लिए सदैव उत्सुक हैं, उनमें से हम प्रार्थना करते हैं हमारे परम पूज्य पास श्रीमद भक्ति वेदांत श्री रघुनाथ महाराज जी कुछ आज प्रस्तुत करें, कुछ कथाओं का वर्णन करें। विशेषकर आज ये स्मरणीय दिवस था जो कि हमारे परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज उनके सेवा तिथि पर वैष्णवों ने प्रातः काल कुछ प्रकाश डाला है और कुछ बोलने के लिए तो हम महाराज जी से निवेदन करते हैं कि वे कुछ अपना विचार व्यक्त करें और वैष्णव तत्वों को भी समझाएं। वैष्णवेभ्यो